रिचार्ज ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल का संवर्धन। बारिश के पानी को फिर से गहरे जलभृत में पुनर्भरण करना हो तो रिचार्ज ट्यूबवेल का निर्माण करना होगा। तालाब का पानी पाइप के माध्यम से इस प्रथम कुंडी में स्थिर होने के बाद भौतिक अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। साफ पानी दूसरी कुंडी यानी अनुश्रवण टैंक में चला जाता है। यहाँ पानी को छोटे पत्थर, रेत, कोयले के टुकड़े का उपयोग कर अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है। अब पानी ट्यूबवेल में उतरता है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 333 रिचार्ज ट्यूबवेल का निर्माण किया गया और दूसरे चरण में 55 करोड़ की लागत से 821 रिचार्ज ट्यूबवेल बनाने का आयोजन किया गया। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा लाने का सन्निष्ठ प्रयास किया जा रहा है।